सर, हार्ट का जो मरीज होता है उनको कैसे पता चलता है? आप जैसे अभी आपने कहा कि कोई गैस का दर्द समझते थे किसी के, तो उनको कैसे मालूम चला कि हमें हार्ट की बीमारी है? सर, अगर ऐसा सिम्टम लक्षण पाए जाते तो उसके बाद मरीज को तुरंत क्या करना चाहिए? किस प्रकार से, कितनी देर में डॉक्टर साहब के पास आना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? अगर तो उससे बहुत सारे जो बीमारियां जो यहाँ नहीं जाके लोगों को अहमदाबाद और जोधपुर डायग्नोस हो रही थी, वो यही इको सेम डायग्नोसिस करके और उसका प्रॉपर निदान बताते हैं। एक समय हुआ करता था तब बाड़मेर के जिला अस्पताल में कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं था। बाड़मेर जिले सहित आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं, हार्ट के जो पेशेंट हैं, वो यहाँ पर आते थे तो उनका इलाज यहाँ पर प्रॉपर रूप से इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं थी। लेकिन पिछले नवम्बर से बाड़मेर में जब से डॉक्टर बालाराम चौधरी की पदस्थापना यहाँ पर हुई है, उसके बाद से बाड़मेर के मरीजों को काफी राहत मिली है। मैं इस वक्त बाड़मेर के जिला अस्पताल में हूं और जिला अस्पताल का वो वार्ड जहां पर डॉक्टर बालाराम चौधरी हार्ट के जो पेशेंट हैं उनका इलाज करते हैं, और ये हमारे जितने भी दर्शक हैं बाड़मेर और आसपास क्षेत्र के जो दर्शक हैं उनके लिए एक सूचना हम दे रहे हैं कि अब बाड़मेर के जिला अस्पताल में हार्ट के अगर पेशेंट हैं तो उनका इलाज किया जाता है। यहाँ तमाम प्रकार की फैसिलिटी है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से तमाम प्रकार की बातें जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर बाड़मेर जिले में हार्ट की स्टेटस क्या है, क्या स्थिति है, कितने पेशेंट हैं, क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, और अगर हार्ट की अगर आपको बीमारी है तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या उसके लक्षण रहते हैं। तो अभी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप यहां पर देखिए तमाम जो मरीज हैं वो यहां पर काफी संख्या में है, और आप देखिए मरीजों की यहां पर भीड़ लगी हुई है, अलग अलग जगहों से यहां पर मरीज पहुंचे। मैं डॉक्टर साहब से क्षमा चाहते हुए 2 मिनट का समय लूंगा सर आपका। मैं समझ सकता हूँ कि काफी पेशेंट भी हैं आपके यहाँ। सर, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे बाड़मेर में पदस्थापना के बाद काफी सेवाएं दे रहे हैं। आपके बारे में मैंने पता किया तो कि सर की यहाँ की ज्वाइनिंग के बाद एक भी छुट्टी भी नहीं की है, रेगुलर जहाँ पेशेंट को जरूरत है वहाँ पहुँचते हैं। सर, बाड़मेर को कितनी जरूरत थी एक हृदय रोग विशेषज्ञ की, क्योंकि लंबे समय से बाड़मेर में कोई हार्ट पेशेंट है उनको अगर इलाज करवाना था तो उनको बाहर जोधपुर, अहमदाबाद या कहीं और जाना पड़ता। अब बाड़मेर के लोगों को हमारे आप जैसे अच्छे डॉक्टर मिल गए। बाड़मेर के लोगों को हार्ट के संबंधित बीमारियों के लिए जोधपुर या अहमदाबाद बहुत दूर तक जाना पड़ता था। कुछ हार्ट की बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें उसको तुरंत एक्यूट कंडीशन में ट्रीटमेंट चाहिए, तो अहमदाबाद और यहाँ से जोधपुर जाते 3 से 4 घंटे और अहमदाबाद जाने के लिए 5 से 6 घंटे का जो वक्त लग जाता था। उसमें कुछ पेशेंट जो रास्ते में ही सीरियस होकर उसकी जो मोर्टिलिटी हो जाती थी, वो मेरे यहाँ आने से उसके बाद में जो मोर्टिलिटी का रेशियो था और मॉर्बिडिटी उस रेशियो में बहुत ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि तुरंत प्रभाव से पेशेंट को 2 से 3 घंटों के अंदर अगर पहुंच जाता हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का पेशेंट, तो उसको यहीं इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिल जाता था। तो उससे जो मोर्टिलिटी कम आई है, और बाकी जो पेशेंटों का कंटिन्यू पेशेंट रूटीन ट्रीटमेंट के लिए जो पहले जिसका ऑपरेशन हो रखा है हार्ट का, स्टंट का, जो पेसमेकर का, जो जोधपुर या अहमदाबाद जाते थे, वो पेशेंट भी आजकल यहाँ अगर फॉलोअप में आते हैं तो यहीं से ट्रीटमेंट बाड़मेर में मिल जाता है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपकी यहाँ पदस्थापना हुई है, जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है कि यहाँ कार्डलोश है वो भी बाड़मेर में है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को ये सूचना दें कि अब आपको अगर इस प्रकार के और आपके मन में है कि बाड़मेर में कोई है ही नहीं डॉक्टर, तो उनको लिए बता दें कि हमारे डॉक्टर साहब यहाँ आ चुके हैं। बाड़मेर में हार्ट पेशेंट की क्या स्टेटस क्या है, यहाँ क्या स्थिति क्या है? बाड़मेर में हार्ट के मरीज खूब है। एक्चुअली मेरे आने से पहले पेशेंट हार्ट के दर्द को गैस का दर्द या नॉर्मल मांसपेशी का दर्द समझ के इधर उधर जो जिससे भी ट्रीटमेंट लेते थे वो अलग बात है, बट आने के बाद में पेशेंट को जो प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ है और उसके बाद में जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। सर, हार्ट का जो मरीज होता है उनको कैसे पता चलता है? आप जैसे अभी आपने कहा कि कोई गैस का दर्द समझते थे किसी के, तो उनको कैसे मालूम चला कि हमें हार्ट की बीमारी है? हार्ट का मरीज के लिए पेशेंट का जो दर्द है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। उसके लिए पेशेंट को जो सीने में भारीपन, जकड़न, सीने में दबाव, जैसे किसी सीने में पत्थर रख दिया हो वैसे वजन टाइप दर्द होना, साथ में घबराहट होना, पसीना होना, ये ज़्यादातर दर्द काम करने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे और सांस का फूलना, धड़कन का अचानक बढ़ जाना, कभी कभी पेशेंट का हार्ट के मरीजों को एकदम अचानक बेहोशी हो जाना, ये सामान्यतः कॉमन सिम्टम रहते हैं हार्ट के मरीजों को। सर, अगर ऐसा सिम्टम लक्षण पाए जाते तो उसके बाद मरीज को तुरंत क्या करना चाहिए, किस प्रकार से, कितनी देर में डॉक्टर साहब के पास आना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? अगर मरीज को इस प्रकार के अगर सिम्टम रहते हैं तो पेशेंट को तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, और उसमें जो कम्प्लीट कार्डियक प्रोफाइल होना वो सारे टेस्ट करवाने चाहिए। और सर, खान पीन की चीज़ों में भी इस प्रकार के रोग होते हैं? जो हार्ट के मरीजों का मुख्य जो सामान्य जो आदतन है वो सबसे मेन कारण है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग सबसे
इम्पोर्टेंट रीजन है कि कार्डियक पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं। आजकल के युवा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो जो युवाओं में जो 30 से 35 साल की उम्र में जो हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं उसका मेन कारण स्मोकिंग है। हालांकि पिछले 2-3 साल से और भी ज़्यादा केस बढ़े हैं, वो पोस्ट कोविड जो इफेक्ट हुआ है, पेशेंट का प्रोफाइल जो बदल गया है, हाइपरकोगुलेबिलिटी प्रोफाइल होता है जो बदल गया, उसके कारण भी बढ़े हैं। बाकी स्मोकिंग, पेशेंट का अल्कोहल और जो खान पीन आज के टाइम में जो बदल गया है, बेकिंग टाइप की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन हो गया, उस वो भी एक मुख्य कारण है। सर मेरा आखिरी सवाल है, मैं आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी मरीज भी हैं। बाड़मेर के लिए आपकी यहाँ पद स्थापना होना कितनी बड़ी राहत? बहुत बड़ी राहत है। जो पेशेंट, जो एक आम पेशेंट, जो गरीब लोग हैं जो जाते थे बाड़मेर से जोधपुर, जयपुर और अहमदाबाद, वो यहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और पेशेंट को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। सारी सुविधाएं भी यहाँ पास में ही आपके, अभी मैंने देखे कि तमाम प्रकार की। हाँ, यहाँ बाड़मेर में मेरे आने के बाद में अलग से एक ICU भी बन रहा है, इको मशीन भी है, उसमें रोज़ ही हम 20 से 25 इको कर रहे हैं। अभी तक हमने 15 से ज़्यादा इको कर लिए हैं और उसमें से 3 से 4 पीडियाट्रिक्स इको भी हो रहे हैं, जो बच्चों के वॉल से संबंधित, बच्चों के हार्ट में से संबंधित जो इको हो रहे हैं, तो उससे बहुत सारे जो बीमारियाँ जो यहाँ नहीं जाके लोगों को अहमदाबाद और जोधपुर डायग्नोस हो रही थी, वो यहीं इको से हम डायग्नोसिस करके और उसका प्रॉपर निदान बताते हैं। सर निजी सवाल है, बाड़मेर से ही हैं या कहीं और से? मैं बाड़मेर से ही हूँ, बायतूत से, नौसर गांव से हूँ। सर कितना प्राउड हो रहा है कि मैं बाड़मेर के लोगों की डॉक्टर बनकर बाड़मेर के हमारे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा। निश्चित रूप से आप देखिए, एक बड़ी अहम सूचना है हमारे तमाम बाड़मेर वासियों के लिए, बाड़मेर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए एक सूचना है कि आपको अगर लगता है कि आप हार्ट रोग से परेशान हैं और आपको अगर ऐसा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ लक्षण अगर आपको लगते हैं तो आप ज़रूर बाड़मेर के जिला अस्पताल आइए। यहाँ पर आपका मुफ्त में सरकारी अस्पताल में चिरंजीवी योजनाओं के तहत, कई प्रकार की योजनाओं के तहत मुफ्त में इलाज होगा। यहाँ पर इको मशीन भी, बाड़मेर की बहुत महंगी मशीन आती है वो भी इनके पास हैं, इसी चीज़ तमाम प्रकार की सुविधाएँ हैं। और डॉक्टर बालाराम जी चौधरी जो है हमारे बाड़मेर की हैं, बहुत ही सराहनीय सेवाएँ दे रहे हैं। नतीजा आप देखिए कि बाड़मेर में कितने मरीजों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सहयोगी उम्मीद आपका साथी अशोक शेरा।